बेहद खूबसूरत सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में यहाँ बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। ये एक बार फिर से गैलरी है और इस गैलरी से होते हुए हम लोग जानेंगे विठल भाई सामाजिक अभियानों का सार्थक प्रयास वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ किया था। उनकी स्मृतियाँ यहाँ पर मौजूद है। गुरु अभिज्ञान मतलब जो दीक्षा ली गई थी तो वो भी यहाँ पर स्मृतियाँ वहाँ की है। शुरुआती दौर में अनुकरणीय नेतृत्व जब वल्लभ भाई पटेल ने किया था तो उसकी भी यहाँ स्मृतियाँ हैं। अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी का जो एक साथ कार्य करने का यहाँ पर उनकी भी स्मृतियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ये पूरा मैप यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ी है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो अंदरूनी भाग है, मैं उसमें खड़ा हूँ। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर का भाग है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो संघर्ष किया था उसके बारे में अलग अलग तरह की यहाँ पर जानकारियाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में दी हुई हैं। गैलरी में महत्वपूर्ण दस्तावेज जो वल्लभ भाई पटेल के समय में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ कुछ दस्तावेज साइन किए थे आज़ादी के समय में, कुछ दस्तावेज थे उनकी जानकारियां भी यहां पर दी गई हैं। सत्याग्रह क्या होता है उसके बारे में यहां पर जानकारी दी हुई है। ज़्यादातर यहां गुजराती भाषा में जानकारियां दी गई हैं। औरसत का सत्याग्रह उसकी ये विशेष तस्वीर है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस समय की है जब वे पूरे यंग थे। महात्मा गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये एक खास चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है। संग्रहालय यहाँ पर, ये प्राचीन संग्रहालय है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ पर हैं और महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल के अलावा और कई महान विभूतियों की यहां पर जानकारियां मिलेगी। बाडोली सत्याग्रह के बारे में भी ये जानकारी आपको उपलब्ध यहां पर हो जाएगी। ये बाडोली सत्याग्रह की तस्वीर है। जगह जगह पर यहाँ डिस्प्ले लगे हुए हैं। आप अगर लाइब्रेरी की ऑनलाइन लाइब्रेरी से जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। पूरा मैप यहाँ पर रोड मैप से लेकर के और अलग अलग तरह की जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाएगी आपको। स्वराज्य क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन और बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो यहाँ पर दी हुई है, डिस्प्ले की हुई है। स्वराज्य के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में यहाँ बताया गया है। ये आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं, ये स्तंभ है वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, लौह स्तंभ, क्योंकि वो लौह पुरुष थे इसलिए उनके बारे में ये यहाँ पर जानकारियाँ दी हुई है। Freedom was, however, won at a huge price. जेल में बिताए गए कुछ दिनों के बारे में भी यहाँ जानकारियाँ दी गई है। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए वल्लभ भाई पटेल 6 बार जेल गए थे, उनके बारे में यहाँ जानकारियाँ दी हुई है। 1930, 1932, 34, 1940 और 9 महीने के लिए वे जेल गए थे, उनके बारे में यहाँ जानकारियाँ हैं। आप मेरे पीछे ये पटल के ऊपर देख सकते हैं, सारी जानकारियाँ यहाँ पर उपलब्ध है। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में देख सकते हैं। अंतरिम जो सरकार थी उसके बारे में यहाँ खास दस्तावेज हैं जो यहाँ पेश किए गए हैं और बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी और कई विभूतियाँ यहाँ पर आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं। खास लोग तो उस समय थे। दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था उसके अंत के समय में, दूसरे विश्व युद्ध के अंत के समय में जो संधि हुई थी उसके बारे में यह जानकारियां दी गई है।
अंग्रेजों ने निश्चित रूप से भारत छोड़ो का निर्णय कर लिया था छोड़ने का, और वो बात 1946 की है। ब्रिटिश सरकार की मदद से ही संबंधित संविधान सभा का जो है यहाँ पर किया गया था। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, इसमें ज़्यादातर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, और 14 सदस्य अंतरिम कैबिनेट के प्रमुख नेता जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जॉन मथाई और सैयद अली जहीर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, जो कि फिर से 1950 में पूर्णतः स्वतंत्र लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए राष्ट्र को आगे लेकर के गए थे। इन लोगों के प्रयास थे और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। खास जानकारियाँ आपको हम बताते रहेंगे, और भारतीय स्वतंत्रता की कीमत किस तरह से चुकाई गई थी वो हम आपको यहाँ दिखा देंगे। विस्थापित एक जो स्टेप था वो था विस्थापन का, विस्थापित लोग किस तरह से विस्थापित हुए थे वो आप ये पहली तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ पर विस्थापित का समय दिया हुआ है कि लोग इतने मजबूर हो गए थे, उन्हें पैदल चलना पड़ा था, और भारी जन समूह को अलग अलग उस समूह में रखा गया था। एक प्रकार से वो कैद और प्रताड़ना थी। और फिर विस्थापन के बाद का चित्र दिया हुआ है, तो एक शरणार्थी कैंप यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें हज़ारों लोग एक साथ इकट्ठे सो रहे हैं, एक साथ वहाँ बैठे हुए हैं, ना किसी का खाने का पता है। मैं आपको बता दूं कि हज़ारों लोग भूख से भी मरे थे उस दौरान, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद समुद्र द्वारा यात्रा जो कर रहे थे वो शरणार्थी थे, वो एक जहाज़ के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बताया जाता है कि उनमें भी बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं पीछे, ये भी विजिट करने के लिए यहाँ आते हैं घूमने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ हैं, केवल स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में नहीं बल्कि स्वतंत्रता के समय जो परिस्थितियाँ थी सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय जो एक रजवाड़ों के साथ में भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं ये खास तस्वीर है जो बहुत ही कम लोग देखते हैं, और बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी भी है। अभी हम चलते हैं और आगे। ये उस समय के अखबारों की कटिंग आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान सबसे पहला पुराना अखबार है जो हिंदुस्तान, यहाँ ये अखबारों की कटिंग आप देख सकते हैं। द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान और गुजरात समाचार, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये बहुत सारे अखबार यहाँ पर इनकी कटिंग लगी हुई है। जो हैदराबाद में दायित्वपूर्ण सरकार कायम होगी प्रांतों में सियासतों के लिए, कपड़े का कोटा निश्चित किया गया था, ये बहुत पुराने अखबारों की कटिंग दी हुई है। मेरे सामने एक अखबार है जो 12 आषाढ़ महीने का है, 12 तारीख 2004 का, कुछ पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये अखबारों की कटिंग यहाँ पर दी हुई है जिसके बारे में उस समय की जो भी खास जानकारियाँ थी वो यहाँ दी हुई हैं। और एक चीज़ जो विशेष है वो मैं आपको बता देता हूँ, जब विभाजन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, ये वो तस्वीर है जब विभाजन के समय कुछ दस्तावेज साइन किए गए थे, वो ये तस्वीर है। अंग्रेज़ों को ये साइन किया गया, इसमें पाकिस्तान के सर्वेसर्वा जीना भी मौजूद हैं, नेहरू जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और भी जो उस समय के खास नेतृत्व, देश का नेतृत्व करने वाले लोग थे वो यहाँ पर हैं। वल्लभ भाई पटेल भी भारत और पाकिस्तान के बीच में संपत्तियों के वितरण का निरीक्षण उस समय कर रहे थे, और विभाजन परिषद में शामिल थे। जब दंगों की शुरुआत हुई तो उन्होंने
भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए शरणार्थियों को धर्म ध्यान देते हुए उनके जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए स्वयं वल्लभ भाई पटेल ने जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ दस्तावेज हैं जिनके बारे में मैं आपको एक और खास चीज़ दिखा रहे हैं। गांधी जी के सिपह सालार कौन कौन थे और गांधी जी के प्रभाव में वल्लभ भाई पटेल पूर्णकालिक लोक सेवा और राजनीतिक आंदोलन की ओर समर्पित हुए थे, उसके बारे में इस यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई है। राजनीतिक आंदोलन की ओर उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था और उनकी आयोजन क्षमता गांधी जी के लिए बहुत ही मूल्यवान थी। उस समय के लिए उन्हें अंग्रेज़ों के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए एक सक्षम सहायक की आवश्यकता थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज़्यादा प्रतिभावान और दूसरा नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्हें लौह पुरुष कहने के साथ साथ उनकी और भी बहुत सारी काबिलियत थी जिनको ब्रिटिश सरकार भी जानती थी। और जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बहुत सारी ऐसी किद्वंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं, लेकिन सच्चाई क्या थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बखूबी जानते थे। साधन संपन्न सरदार जी ने उन चंद लोगों में से एक थे जो जनता को संगठित कर सकते थे। उनका नेतृत्व बहुत अच्छा था और यह सुनिश्चित करते थे कि लक्ष्य पूरा होगा। और 1918 से 1928 तक गुजरात के सत्याग्रह का नेतृत्व करने वाले वल्लभ भाई पटेल पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए थे और वे स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख पथ प्रदर्शकों में से एक बने। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ पहले चरण पर वे पहुंच गए थे। इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारियां यहां सत्याग्रह आंदोलन के बारे में भी दी हुई है। महात्मा गांधी के लिए उनका क्या रोल था और वे किस तरह से उनके लिए इम्पोर्टेंट थे, वे यहां पर जानकारियां आपको मिल जाएंगी। एक खास तस्वीर जो महात्मा गांधी जी के साथ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे आप पीछे देख सकते हैं, ये वो खास तस्वीर है जो बहुत कम लोग बहुत सारी किताबों के अंदर जो उस समय की है वो नहीं इसमें मिलेगी। अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी के जो है आपस में नेतृत्व के साथ में उस समय उनके साथ कितने लोग जुड़े थे और वो ये तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये आज़ादी के उस समय एक स्वर्णिम एक अवसर की है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों का नेतृत्व किया था। उनकी नेतृत्व क्षमता बहुत प्रबल थी और इसीलिए लोग उन पर विश्वास करते थे। बहुत सारे सामाजिक अभियानों में उनका जो है खास रहा था। गांधी जी के लिए खास चीज़ और दिखाते हैं। अहमदाबाद में जब उन्होंने सेवा कार्य शुरू किया था तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनको उन्होंने टारगेट किया था और वे शुरू से यहाँ पर रहे हैं गुजरात के बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा मैप बना हुआ है किन किन क्षेत्रों के अंदर उनका प्रभाव रहा वो भी यहाँ पर है। अलग अलग स्टेशन हैं, यमुना, अहमदाबाद मस्जिद, कटक, मध्यापुरा, वडोदरापुरा, ये इनके मुख्य रहे हैं। आज आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ भी हम आपको बताएंगे कि लंदन से जब वकील बन करके बैरिस्टर की पढ़ाई करके जब वे लौटे थे, बैरिस्टर बन करके लौटे थे, तो उस समय की आपको कुछ तस्वीरें बताएंगे। 1916 की ये बात है, वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद में रहते थे और आपराधिक मामलों में बड़े वकील बन चुके थे, यानी कि क्राइम के अंदर उनकी अच्छी पकड़ थी। और लंदन से लौटे बैरिस्टर एक होशियार नवयुवक थे उस समय के। आपको बता दें कि उस समय बहुत कम लोग ऐसे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग बड़ी कठिनाई से इस तरह के जो बैरिस्टर की पढ़ाई कर पाते थे, लेकिन वे ही लोग कर पाते थे जो उस समय अंग्रेज़ों को अच्छा पैसा दे सकते थे। तो उनके बारे में यहाँ पर पटल पर बहुत कुछ दिया हुआ है। वे हल्का सा तिरछा हैट पहनते थे, यानी एक तिरछी टोपी पहनते थे और सख्त और गंभीर थे और उनकी आंखें पैनी और चमकदार थी। दौलत और सफलता आता था वल्लभ भाई पटेल के दरवाजे पर दस्तक देने लगी थी। वे जिला अदालत में वकालत करते थे तो जाहिर सी बात है उनके पास उस समय में काफ़ी पैसा भी इकट्ठा हो गया था। वल्लभ भाई पटेल के जो है वो बहुत फुर्तीले और गुजरात क्लब में समय बिताया करते थे, क्योंकि उस समय के जो क्लब होते थे वहाँ पर अंग्रेज लोग और जो रिच फैमिली के लोग थे, जो भारत के बहुत ही रजवाड़े और अच्छे घरानों के लोग थे, वो वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। तो वल्लभ भाई पटेल अपने कपड़ों को
धुलाई के लिए मुंबई भेजा करते थे, उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। तो ये आप देख सकते हैं बैरिस्टर बनने के समय जो किताबें थी वकालत की, वो यहाँ पर एक यादगार के तौर पर दीवारों के ऊपर लगाई गई हैं ताकि लोग इनका बखूबी अवलोकन कर सकें। लंदन के अंदर उन्होंने बहुत सारे दिन बिताए थे, दो भाई थे ये लोग, तो उनके बारे में जानकारी दी हुई है। चार पटेल भाइयों में विठल भाई और वल्लभ भाई पटेल से उम्र के अंदर 3 साल बड़े थे, अनुशासन दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत करने वाले थे, ये बीच के थे। और दोनों भाइयों में न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि इंग्लैंड में कानून के पेशेवर डिग्रियां भी हासिल की थी, उस समय बड़ी बात होती थी ये। वल्लभ भाई पटेल ने सम्मानपूर्वक खुद से पहले अपने भाई जो बड़े भाई थे उनके लिए इंग्लैंड में कानूनी पढ़ाई के मार्ग प्रशस्त किए थे। ये वो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है, वल्लभ भाई पटेल अपने भाई के साथ हैं और ये उनके पूरे परिवार की तस्वीरें हैं। हाँ, ये आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है जहाँ पर उन्होंने लंदन के अंदर बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की थी। और वल्लभ भाई पटेल सूट और टाई पहनते थे, मिडल टेंपल में उन्होंने प्रवेश किया था, उस समय मिडल क्लास को मिडल टेंपल कहा जाता था। और मिडवेई युवा थे वल्लभ भाई पटेल, रोज़ाना कॉलेज के लिए 10 मील पैदल आते जाते थे। ये ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और यहाँ पर इसका प्रदर्शनी भी लगाई हुई है, बताया भी गया है। 1912 की गर्मियों में उन्होंने इंग्लैंड में यात्रा की लेकिन अपने प्रभावों का कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। स्टैचू ऑफ यूनिटी का ये छोटा सा प्रतिरूप है, ये आप देख सकते हैं बहुत बेहद खूबसूरत बना हुआ है। लाइटिंग बेहद खूबसूरत है, यहाँ पर पूरा फर्श जो है चमक रहा है।